बाबा वो मैं, वो मेरे को एक्चुअली कोरोना है ना। अरे कोरोना दूर जा, पीछे 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 पीछे। अरे 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 बाबा बाबा की जय हो बाबा। बाबा आप तो डर के कोने में उड़ गए बाबा। रुको जरा, गो करुणा करुणा गो, मेरी कोरोनेल किधर गई है रे? मारो मुझे, मारो मारो। अभी देखो हम तुमको बता देते हैं, तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम विच को मार दोगे तो तुम नहीं मार पाओगे, क्योंकि वो बहुत खतरनाक शक्ति है। तुम्हें पहले उसके काबिल बनना होगा। एक बार जब उसके तुम काबिल बन जाओगे तब हम खुद तुम्हारे सामने आएंगे, तुम्हारे पास प्रकट होंगे, जब तुम हमें याद करोगे और फिर हम मिलकर तुमको। बाबा कितना बोलोगे, मुझे भी कुछ बोलने दो। म्यूजिक। मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। बाबा मैं विच के लिए गाना गा रहा हूँ। बाबा घबराइए मत, मैं उस विच के काबिल बनूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं इतना काबिल बनूंगा, उस विच को खत्म कर दूंगा, मैं नामो निशान मिटा दूंगा उस विच का इस धरती से। चलो इसी के साथ मैं निकलता हूँ, गो करुणा गो। बाबा की जय हो। बाबा तो गायब भी हो गए। एनीवेज गाइस, अभी तो बाहर अंधेरा है, सो जाता हूँ मैं। यू मे नॉट रेस्ट नाउ, मॉन्स्टर्स नियर। एक तो ये मॉन्स्टर्स इस गेम में ना इतने नल्ले हैं, मतलब कहीं भी आ जाते हैं यार। मत अपने घर में बेड लगा के नहीं सो पा रहा मैं। ओके तो बाबा तो हमें ये बता के विच को मारने के लिए हमें उनके काबिल बनना पड़ेगा, निकल लिया है। तो एनीवेज ऑफ कैमरा मैंने थोड़ी सी मेहनत करी है और अपना थोड़ा सा खेत जो है थोड़ा एक्सपैंड करा है, एज यू कैन सी मैं। अरे यार तुम लोग जाओ ना, इन लोगों से बचने के लिए मैंने यहाँ पे फेंसिंग भी लगाई है एंड फिर भी ये लोग अंदर घुसाते हैं, कमाल ही हो गया तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। अरे यार ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया नहीं है एक्चुअली यार। तो ये क्रीपर से बचने के लिए ये फेंसिंग लगाया, इसका भी कोई फायदा तो है नहीं। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आजा आजा तू, आजा आजा आजा, मारो मुझे, मारो मारो, आजा आजा। सो आई वॉज सेइंग, व्हाट वाज आई सेइंग, कि मैंने हाँ यहाँ पे ना फेंसिंग लगानी शुरू करी इसलिए ताकि ये लोग जो क्रीपर व्रीपर है ये अंदर ना आ सके, एंड ये साले फिर आ जाते हैं, कमाल की बात है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ऐसा पूरा फेंस कर देता हूँ मैं तो इनका आना ही बंद हो जाएगा यहाँ पे। मतलब अपनी खुद की जगह जायदाद समझ के कहीं भी आ जाते हैं। अगली बार कोई आया ना ट्रेसपासिंग के जुर्म में जेल भेज दूंगा तुम्हें। क्या ही बोल रहा हूँ मैं, क्रीपर्स को कोई रोक सका है जो आज रोक लेगा, बट व्हाटएवर। हाँ और मैंने ना एक छोटा सा और घर भी बनाया, मतलब घर क्या है, भगुआ, हमारे भगुआ जो है, हम भगुआ को भी एक घर दे दिए हैं। अब हमारे भगुआ अपना खुद के घर में रहता है, भगु अब बड़ा हो गया है, तो ये मैंने भग्गू के लिए देखिए एक घर बनाया है। एक्चुअली ये भग्गू ना बहुत इधर उधर भागने लग गया था, तो इसको ये छोटा सा मैंने यहाँ पे कैद करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा घर बना दिया है। और मैं शुगर केन लेके आया, मैंने अपनी शुगर केन का फार्म वगैरह यहाँ पे काफी एक्सपेंड कर लिया है, काफी बड़ा शुगर केन का फार्म हो गया है एंड बस यही है। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं करा है, इतने दिनों से मैं बीमार था और मैं कुछ कर नहीं पाया। और आज के दिन में मेरे दिमाग में दो आइडिया थे, एक था कि मुझे एक तो एंडरमैन को मारना है, क्योंकि मेरे को चाहिए एंडरमैन को मार के एंडरमैन की आंखें, जिसकी हेल्प से मैं जा पाऊंगा एंड वर्ल्ड में। एक तो ये वेजिटेरियन फूड जब से खाना खाना शुरू करा है ना मैंने, मतलब पेट ही नहीं भरता है कभी, नॉन वेज फूड से एटलीस्ट पेट तो भर जाता था। और दूसरा काम जो मुझे करना था, मेरे को एक लिफ्ट बनानी थी। एक्चुअली मैंने सोचा था कि अपने घर को थोड़ा सा ऐसा ऊपर की तरफ एक्सपैंड किया जाए, तो एक लिफ्ट बनाई जाए। और लिफ्ट बनाने के लिए चाहिए होता है केल्प, मैंने पढ़ाई करी है, बहुत पढ़ के आया हूं मैं। एंड केल्प के लिए हमें जाना पड़ेगा समुद्र में, और मुझे चाहिए था एक, मेरे को बनाना था सीक्रेट हाउस, क्योंकि जैसा बाबा ने बोला कि ये जो विच है वो इसी पीछे पहाड़ी में रहती है, तो उस विच से बचने के लिए मैंने सोचा कि बाय चांस वो कभी हमारे ऐसे इस देश पे आक्रमण कर देती है, इस गांव पे, तो हमारे पास एक सीक्रेट हाउस होना चाहिए। तो वो सीक्रेट हाउस बनाने के लिए मेरे को चाहिए स्टिकी पिस्टन, स्टिकी पिस्टन बनाने के लिए मेरे को चाहिए था, रुक जाओ मैंने पढ़ाई करी है, स्लाइम, स्लाइम बॉल, और वो भी मेरे को मिलेगा समुद्र या स्वाम्पी एरिया में, स्वाम्पी एरिया में। तो अब मेरा आज का प्लान बस यही है कि हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, स्वाम्प ढूंढने वाले हैं, ताकि हम स्लाइम बॉल हमें मिल जाए और केल्प हमें मिल जाए। ये दोनों चीजें लेकर आने के बाद एक लिफ्ट बनानी है, और फिर उसके बाद नेदर वर्ल्ड में भी जाना है, वहां से सोल सैंड लेके आनी है, वहां से मैग्मा ब्लॉक लेके आना है, और फिर एंड वर्ल्ड में भी जाना है। ये तीन चार काम है जो अगले एक दो एपिसोड में हमें करने हैं। और हमें एक एनिमल्स का फार्म भी शुरू करना था, ये तो मैं भूल ही गया। यहाँ पे अभी मेरे को क्या करना है, एनिमल फार्म भी अपना एक बनाना था यार। अरे बहुत सारा काम है यार, माइनक्राफ्ट इज सो मच वर्क, सो मच एफर्ट। तो पहला काम हम जो करते हैं वो है, क्या काम करें पहला, एक्चुअली पहले हम वो लेके आते,
आते हैं, स्केल्प लेके आते हैं, मेरे को लिफ्ट बनानी है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो। आजा भाई भग्गू, तेरा घर बंद कर लेते हैं वरना कोई और ना घुस जाए, हम अपने खुद के कोऑर्डिनेट्स याद कर लेते हैं। ओए अरे एंडरमैन, वरना तेरे को डर नहीं लगता? एंडरमैन वरना देन यू गो टू हिल एंड गो डाउन, मर जा। Yes, yes, Enderman को मार के Ender Pearl मिल गया। ओके, Ender Pearl से मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी, मैंने थोड़ा सा पढ़ के आना पड़ेगा। ओके, तो हमें Ender Pearl मिल गया है और एंड वर्ल्ड में जाने के लिए स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढना पड़ता है हमें। वो ढूंढने के लिए हमें चाहिए होता है ब्लेज रॉड चाहिए होती है, जो उसके लिए तो हमें नेदर में जाना ही पड़ेगा। मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, तो मैंने अभी अभी पढ़ाई अपनी पूरी करी है। मेरे को एक्चुअली इतना पता है कि केल्प हमें मिलेगा समुद्र के बीचों बीच, ये ऐसी छोटी मोटी नदी में नहीं मिलेगा। और ये हम डेजर्ट में पहुंच गए हैं बायोम चेंज होते हुए, चल रहे हैं। भग्गू थोड़ा तेज चल ले, इतना आलस क्यों है तेरे को? खरगोश क्या खाते हैं? शुगर केन खाते हैं खरगोश? आंख खाओगे एंडरमैन की? अरे ये क्या किया मैंने? एनीवेज, तो एंडर पर्ल जो हमने उस एंडरमैन को मार के पाया वो तो चला भी गया। आई हैव नो आइडिया, मेरे को कुछ नहीं पता है केल्प कैसा दिखता है, क्या होता है, बस मुझे इतना पता है समुद्र में मिलता है। ये केल्प है, आई थिंक ये केल्प है, प्लीज देख केल्प है। ये मेरे को मिल भी रहा है कुछ? ये तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये केल्प नहीं थी, ये सीवीड था। अरे नया विलेज में आ गए हैं हम। और जब तुम एक नए विलेज में आते हो माइनक्राफ्ट में, तो तुम क्या करते हो? वहाँ के विलेजर्स को हेलो बोलते हो? नहीं, वहाँ पे लूटते हो। हेलो भाई, आ गया मैं, कैसा है? नमस्ते। इनका वाटर मेलन लूटे गए बग्गू भाई, मजा आ गया यार। तुम्हारी सारी फसलें सब खत्म कर दूंगा मैं। थैंक यू गाइस, तुम्हारे बेड पे सोने पे मजा आया। तो हम आए थे इस दिशा से, अब हम इस दिशा में चलते हैं। एक सेकंड, इज दिस केल्प? ओके दिस इज केल्प, बहुत सारा केल्प है भाई, मजा आ गया। ओ केल्प है ना ये? केल्प, आई फाउंड केल्प। केल्प ही केल्प है बाबू भैया, केल्प ही केल्प है, जिसके लिए मैं ऑलमोस्ट मर गया था। यहाँ आगे पक्का कुछ है, आई शपथ यहाँ कुछ है। वहां पे मेरे को नहीं जाना चाहिए बट मैं जाऊंगा। ओके जल्दी टूट। अरे बाप रे, मेरे पास इतना सारा जो फालतू का सामान है मेरे को फेंकना पड़ेगा ना, तभी मैं कुछ और डाल पाऊंगा। ये नहीं चाहिए, ये जो नेदर में मेरे को मिलना चाहिए वो मुझे यहाँ पे मिल गया है। ओए चेस्ट, जिसमें है फायर चार्ज, फ्लिंट बहुत सारा। नो मोर लालच, नो मोर नथिंग, जस्ट वापस। हेलो हनी बी, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन निश्चय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया, तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के चार टुकड़े कर दिए। कैसी है? अब मर जा जैसी भी है। अरे अब ये बताओ भग्गू का है? नॉट अगेन, मैं 5,000 करोड़ बार अपना घर का रास्ता नहीं भूल सकता। हाँ यहाँ पे मैंने बहुत सारा केल्प तोड़ रखा है, तो मतलब भग्गू हो रहा। ओके भाई मैं पहुंच गया, हर बार थोड़ी ना मैं गलत जाऊंगा। चल भाई भग्गू। One eternity later. पार को कर दिया मैंने भग्गू को। थैंक गॉड फाइनली गोल्ड प्लेट हम पहन लेते हैं, पप्पी लैरी बन जाते हैं, लग गए। केल्प वाली लिफ्ट बनाते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे 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 करते हैं। मुझे पता नहीं, मैं बस कुछ कुछ बना रहा हूँ, मेरे मन में था लिफ्ट बनाने का तो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। फिर इसको डालेंगे ऐसा, और फिर यहाँ पे पूरे पे केल्प लगाना है। लिफ्ट बन गई, लिफ्ट बन गई। पर ये तो मैं बिना केल्प के भी कर सकता था सच बोलूं तो। ओ भाई मारो, मुझे मारो। तो मैं एक काम करता हूँ, नेदर में जाने के लिए नेदर पोर्टल बनाता हूँ और फिर नेदर से सोल सैंड लेके आता हूँ, वो वाली लिफ्ट बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? आई जस्ट नीड वॉल्केनो, लावा चाहिए मेरे को। आई थिंक लावा मैंने पीछे वाली साइड पे देखा है इसमें कई बार। अरे यार क्रीपर नहीं मांगा था, वॉल्केनो मांगा था। पता नहीं कहां कहां से गंदी सी शक्ल वाले बेबे करते पहुंच जाते हैं एक सेकंड के अंदर इधर। ओके आई थिंक सारा सवार आ गया वापस। क्या है? नहीं। क्या है? नहीं। क्या है? कुछ काम नहीं है क्या जिंदगी में? जब देखो आदत हो जाओ जाओ लड़ो, दो मॉन्स्टर्स की लड़ाई देखेंगे आज हम। तू क्यों आ रहा है? जा ना तू भी उनके पास, जा उनसे लड़। तुझे बहुत बढ़िया है। उफ
फाइनली और एक और माइनक्राफ्ट की सुबह हो गई है। पहले मेरे को यहाँ पे फेंस लगाने दो। आ जाते हैं ना अपनी सी शक्ल लेके हर दो मिनट में। इनसे छुटकारा मिलेगा पहले, उसके बाद कुछ होगा। यार एक तो ढंग से लग भी नहीं रहे, मतलब 1 hour later मेरा शुगर केन पूरा यहाँ पे जो है उग गया है। इसको हार्वेस्ट करने का वक्त आ गया है। Oh my God, मेरा वीट भी सब उग गया है। Oh my sugar cane, but no slot to keep it. ओहो वोल्केनो चाहिए मेरे को, लावा चाहिए। कहाँ आ गया मैं, अभी कहाँ जाता रहता हूँ यार। क्या करना है मेरे को इस जीवन में मेरे को। वोल्केनो प्लीज कोई भी मत आना, प्लीज मुझे मत मारना, मैं बहुत शरीफ सा छोटा सा बच्चा हूँ। अरे यार तेरे क्या मौत आ रखी है, मेरे पास हेल्थ भी नहीं है। लग गए। शिट, मेरे पास हेल्थ नहीं है, प्लीज मुझे मत मार। जब आपको सेटबैक मिलेगा, डोंट सिट बैक, ओनली स्टेप बैक टू बाउंस बैक। अब बकेट में वोल्केनो कैसे भरूं? ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? पानी और वोल्केनो मिक्स होता है तो वो अलग एलिमेंट बन जाता है, ये क्यों नहीं बन रहा मेरे? बिल्कुल भगवान, भगवान जाने ये क्या हो रहा है। बकेट में भर लेना वोल्केनो को। भर लिया, यस फ्रीडम, फ्रीडम, मैं घर पहुंच गया। सो जा भाई। अब देखो मुझे क्या करना है, मेरे को पानी लेना है और उस पानी में इस वोल्केनो को डालना है ताकि मेरे पास नेदर में जाने के लिए वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं वो बन जाएगा, समझ जाओ तुम। ये पानी में डाल देता हूँ, देखी जाएगी एक ब्लॉक। मैं इतनी मेहनत से वोल्केनो लेके आया, एक ब्लॉक। एक और बकेट रखते हैं, दो दो बकेट लेके जाते हैं, दो में वोल्केनो लेके आते हैं। एक्चुअली इस बार जाऊंगा तो वहीं पे ही सब कर लूंगा, मैं वापस लेके ही नहीं आ रहा। देयर इज नो पॉइंट मैन। 1 eternity later फाइनली लाया हूँ मैं 1000 crore साल के बाद ऑब्सीडियन। अब मैं लगा रहा है यहाँ पे नेदर पोर्टल। किधर बनाऊँ, यहाँ पे बनाते हैं। आई डोंट थिंक सो, ये सही बना। मैंने क्या बना दिया ये, इसको फिर से तोड़ने में 1 और साल लगाओ यार। ऐसे ऐसे ये पत्थर को ऐसा लगा दूं अगर मैं, प्लीज मेरा लाइटर घर में अंदर पड़ा हुआ है, प्लीज प्लीज चल जाइयो, मैं रो दूंगा, मेरे आंसू। अरे ये क्या हो गया, आग की लग गई इस पे। ये तो नहीं होना चाहिए था, लोगों का पोर्टल चल जाता था, मेरा क्यों नहीं चल रहा? रुक जाओ, मेरे को पता है मेरे को क्या करना है, मुझे कुछ ही नहीं पता है मुझे क्या करना है। या एंड या, दिस इज करेक्ट, यस आई हैव डन इट, ए फाइनली, यस यस यस, आग लग जाए पूरी दुनिया को, ओके गाइस, तो आई एम गोइंग टू नीदर टू गेट सोल सैंड एंड अगर ब्लेज भी मिल रहा है। ब्लेज क्या होता है, ब्लेज मुझे नहीं पता। ये वी नीड टू गो डीपर, ये बॉय, ये बॉय, सोल सैंड मिली, यही होती है ना सोल सैंड। मैं सोल सैंड लेने आया था, मेरे को ये क्या है भाई, ये ब्लू क्या है, आग तो नहीं है ये? अरे सुअर, ओ भाई 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 भाई, मेरे पीछे आ गया। इसको गोल्ड नगेट मेरे पास अंदर पड़ा हुआ है। हेलो, डू यू ऑनेस्टली थिंक, हां, यू वांट गोल्ड? नहीं, ज़ॉम्बी और तुम लड़ो ना आपस में, मैं सो जाता हूँ भाई। सोल सैंड तो मैं ले ही आया हूँ, अपनी लिफ्ट तो मैं एटलीस्ट अब कंप्लीट कर सकता हूँ। आई कैन फाइनली कंप्लीट माय लिफ्ट। ओके, तो अब लिफ्ट के लिए क्या होता है, जितना मुझे पता है, मतलब मेरे को वैसे क्या ही पता है, ये सोल सैंड लेंगे हम, ठीक है, और सबसे नीचे वाला जो ब्लॉक है वो सोल सैंड का होता है। ओ यस, एज यू कैन सी बबल्स आ रही है,
बबल आ रही है, लिफ्ट चल रही है, लिफ्ट चल रही है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोल सैंड को यहाँ से हटाएंगे, फिर हम यहाँ पे कैल्प लगा देंगे बहुत सारा, तो ये लिफ्ट ऐसे हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सबसे नीचे से कैल्प तोड़ देंगे और सोल सैंड रख देंगे, ऐसा लोगों की चल जाती है। एंड मेरी भी चल गई, ओए ओ बल्ले बल्ले, लिफ्ट चल गई मेरी, और नीचे जाने के लिए सीधा छलांग। फाइनली कुछ मैंने करा अच्छा माइनक्राफ्ट में, पहली बार नेदर में गए हम, नेदर से सोल सैंड मिलना बहुत इजी था, नेदर में जाना मुश्किल था, नेदर तक पहुंचना वाज द हार्ड पार्ट। अभी मेरे को सिर्फ कांच बनाना आ जाए ना, रुको कांच कैसे बनेगा, हाउ टू मेक ग्लास इन माइनक्राफ्ट। ओके, तो ऑल वी नीड फॉर ग्लास इज सैंड, हमें लेके आनी पड़ेगी मिट्टी, सैंड ही है ना ये, अंदर पानी में सैंड ही, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर दो, ओ या ऑलवेज राइट या। अब मुझे नहीं पता ग्लास बनाने के लिए कितनी सैंड चाहिए, तो मैं जितनी है सारी ले जाऊंगा। मजदूरी भाई मजदूरी, क्या करे, रोज की मजदूरी नहीं करेंगे, दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो घर कैसे चलेगा। मैं गरीब हूँ साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, अगर मैं रोज की मजदूरी नहीं करूंगा तो घर पे काम कैसे चलेगा साहब। चुप, बिल्कुल चुप। आई थिंक काफी सैंड है, इतने से अच्छा खासा ग्लास बन जाएगा। तो इसको सैंड को अगर मैं यहाँ पे डालूं और इसको पकाऊं, ग्लास आया, वेट करेंगे अब हम ग्लास के पकने की, एंड फिर इसके बाद हमारी लिफ्ट होगी। इतनी सुंदर इतनी प्यारी लिफ्ट गाइस। एक और बहुत ही सुहाना दिन है, क्या मौसम है, एंड होपफुली यहाँ पे बहुत सारा ग्लास भी आ चुका है, बस 8, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अरे 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 यार, एक चीज नहीं अच्छी लग रही मेरे को, पता क्या, ओहो मैं ग्लास तोड़ूंगा तो ग्लास टूट जाएगा। ओके, ग्लास तो आ गया है यहाँ पे काफी, आई थिंक अपना पहले हम ये वाला काम पूरा करते हैं फिर आगे देखते हैं। 1 hour later, इसकी जगह पे अगर डोर हो कि मैं बस डोर खोलूं और मैं सीधा अंदर एंटर कर जाऊं, वो बढ़िया होगा, rather than having this अजीब सी। 1 eternity later, it worked. Thank you. I know. I always knew it कि मैं ये कर सकता था, but आज अभी मेरे को नीचे उतरने के लिए भी कुछ बनाना पड़ेगा, and इसके front area को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। A few moments later, हो गया। मैं बस एंटर करता हूँ और मैं ऊपर पहुंच जाता हूँ, मेरे को बटन भी नहीं दबाना पड़ता नीचे आने के लिए, बस इसमें आके ये कर दूं। हाँ भाई, जरूरी थोड़ी ना है कि यहाँ पे भी लॉजिक लगाएं। दूर से चमक देख रहे हो आप, अब दूर दूर से ही दिखेगा। ओ माय गॉड, वो लिफ्ट वाला घर पता है तुम्हें? हाँ, वो लाइव इंसान का है, यू नो दैट लिफ्ट वाला घर जिसके आगे एक नेदर पोर्टल भी है, और जहाँ पे बहुत सारा शुगर केन का वो खेती कर रखा है, एंड उसका फेंस भी उसने लगा रखा है। भाई एक गजब की दुनिया यहाँ पे बना ली है मैंने, ठीक है। तो अगले एपिसोड में प्रॉबेबली हम जो है ऐसे जानवरों को लेके आएंगे, घोड़े बकरी गाय और मुर्गियाँ, ऐसा बहुत बड़ा खेत बनाने वाले हैं। आज हमने एक बहुत ही प्यारी लिफ्ट बनाई है, मतलब मेरे को ये चीज सबसे अच्छी लग रही है। आई जस्ट ओपन द डोर, एंटर और सीधा ऊपर, हाथ भी नहीं लगाना पड़ रहा। तो एनीवेज जल्दी से वीडियो को लाइक करो, एंड फिर इसका बहुत ही जल्दी नेक्स्ट पार्ट आएगा। मैं तो सच में मेरे से नहीं वेट हो रहा अभी, तो अगले पार्ट में मैं क्या करने वाला हूँ मुझे नहीं पता, पर ये लिफ्ट, आई लव दिस लिफ्ट, एंड ऑल्सो माय शुगर केन का फार्म जिसको बनाने के लिए मैंने सच में मेहनत करी है। तुम लोगों को आसान लग रहा होगा, हुआ ये कि वो वाला पार्ट मैंने जो रिकॉर्ड करा था, वो वाली रिकॉर्डिंग सारी करप्ट हो गई एकदम, क्योंकि कंप्यूटर में स्पेस फुल हो गई थी, तो पता ही नहीं वो रिकॉर्ड होते होते खराब हो गया था। व्हाटएवर, अगली वीडियो में मिलते हैं हम, वीडियो को लाइक करना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।